जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक परिचय देना चाहेंगे। हमारे ही साथ के फ्रेंड हैं जिन्होंने 2018 की जर्नी में CGL क्वालिफाइड किया और रैंक भी अच्छा प्राप्त किया, 19वीं रैंक थी, और आज ये पोस्ट है AAO उनको मिली हुई है और पोस्टिंग प्लेस है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। फिलहाल इनका जो करंट स्टेटस है वो जुड़े हुए हैं AO और प्लस में इंग्लिश टीचिंग, जो आज इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, इंग्लिश बाई पंकज सर, आप फाइंड कर सकते हो। मकसद यूट्यूब पे लाने का बस ये है, जो आपको सामने मैं एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा इनका, कि इन्होंने कैसी तैयारी की, किस तरह से बच्चों के कैरियर को बिल्ड करना है, क्या क्या अड़चने आती हैं बच्चों को, समस्याएँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वो अपने कैरियर को बनाने में एक तरह से डाइवर्ट रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते, इंट्रैक्शन नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी जो हेजिटेशन है उसको दूर नहीं कर पाते। ऐसा क्यों, मतलब आजकल के जनरेशन के बीच में ये क्रिएट हो रहा है गैप, क्या ये डाइवर्जन ही एक असफलता का रास्ता तय करता है? ये सर जो है, आज पंकज सर बैठे हमारे साथ, ये सब कुछ झेलते हुए, सारी परिस्थितियों को झेलते हुए, जो भी क्रिटिकल कंडीशन आई, फैमिली बैकग्राउंड को भी देखते हुए, सब कुछ इन्होंने हैंडल किया और 2018 का CGL क्वालिफाइड किया, 19वीं रैंक, भारत सरकार में अच्छी पोस्ट पर ये आज भी मतलब विराजमान है उस पोस्ट पर, और साथ में बच्चों को अपने ऑनलाइन माध्यम से इंग्लिश को भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश टीचर, साथ में इनका ओवरऑल सारे सब्जेक्ट पे बैलेंस अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। जो क्वालिफाइड होते हैं तो आपको सबको पता है कि क्वालिफाइड जो जो बंदा चमकता है वही दिखता है हर तरफ, यदि सूरज चमक रहा है तो रोशनी हर जगह जाएगी। असफलता बिंदु एक मान सकते हैं ग्रहण है लाइफ में, लेकिन उस असफलता के दौर से गुजरते हुए आज ये हमारे बीच में बैठे हैं। श्री पंकज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और हम बस आपसे यही आशा करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कुछ आपकी तरफ से कोई एक हिंट, कोई कैरियर गाइडलाइन, कैसे तैयारी करनी है बच्चों को, किस तरह से मतलब अपने आपको मैनेज रखना है, क्या वो CPO SSC CGL के तक ही सीमित रहें, PCS IAS या अदर कोई भी सेक्टर अगर वो ट्राई करना चाहें, प्लान बी लेके चलना चाहें, तो कैसे हम अपने बच्चों को समझाएंगे? अच्छा, पहले तो SSC CGL की बात, मतलब SSC से रिलेटेड कोई भी पोस्ट। हाँ, एनी पोस्ट वन डे एग्जाम से रिलेटेड। क्या बच्चा एक ही फोकस करे, अगर CGL नहीं हो पाता तो बी ऑप्शन लेके चले, या फिर दोनों को लेके चलना जरूरी है? एक तो सिलेबस सेम है, SSC का और बैंक का, दोनों का सिलेबस सेम है, बट पढ़ना दोनों का अलग अलग तरीके से पढ़ता है। टीचर पढ़ाता कुछ और है, आता एग्जाम में कुछ और है। आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आप सब कुछ पढ़ रहे हो, पर सब कुछ आना है नहीं। मैं जैसे टेंस के टॉपिक की बात करूँ या फिर किसी भी टॉपिक की, तो पढ़ाता टीचर बहुत कुछ है, आता उसमें से बहुत कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिल्टर वाला सिलेबस पढ़ना है। yes. इतना ही आता है, मतलब एग्जाम देने से पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे कमांड होनी चाहिए कि वो कैसा पूछा जा रहा है। अब मेनली बैंक का एग्जाम का इंग्लिश की बात करूँ तो वो सिर्फ रीडिंग सेक्शन पे डिपेंड है, पर उसका मास्टर या उसका टीचर उसको सिर्फ ग्रामर 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 पढ़ा रहा है, right. ये गलत है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए, RC पे कमांड होनी चाहिए, पैरा जंबल्स पे कमांड होनी चाहिए, पर वो आजकल कोचिंग्स के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, business, गलत है। हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, टीच करते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, अगर मैं SSC CGL की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्योर ग्रामर पूछी जाती है, साथ में रीडिंग सेक्शन भी आता है। तो एग्जाम का सिलेबस तो एक जैसा है, पर क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। तो अगर आप दोनों तरीके की तैयारी कर रहे हो, बैंक की भी और SSC की, तो ये डाइवर्जेंट टाइप हो जाएगा। राइट। एक साथ दो तरीके के एग्जाम पे फोकस बना नहीं सकते, बट यूजुअली बच्चा क्या करता है, SSC की भी तैयारी कर रहा है, बैंक की भी कर रहा है, दोनों की एक साथ कर रहा है, वो गलत है, ऐसा होता नहीं है। और मैंने आज तक ऐसे कोई सिलेक्टेड बच्चे देखे नहीं SSC में मेनली, कि जो बैंक की भी तैयारी कर रहा हो वो SSC में सेलेक्ट हो गया। ओके। जैसे कैंडिडेट आज के दौर में क्या है, जैसे पूरे भारत देश में 5 करोड़ ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी निकलती है मात्र 90,000-1,00,000 हर सेक्टर में। क्या 1,00,000 वैकेंसी जो बच्चे तैयारी कर रहा है, कि उम्मीद कर सकते हैं कि वो
मल्टीपर्पज सेक्टर में ना जाकर वो MNC को भी ज्वाइन कर सके। फिर जो 5 करोड़ का जो एक इन्फ्लेशन आया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में, क्या वो पूरा कवर हो सकता है 1 लाख में? मतलब कहने का मतलब ये कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उतने बच्चे तैयारी ना कर करके अपनी जॉब MNCs में स्टार्ट करें। यस, क्या उनको फोकस जरूरी है कि वो 1 लाख के दायरे में ना आकर अपने कैरियर को बिगाड़ लेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात भी है। आजकल ना कहते हैं कि हम बेरोजगार रहेंगे, मतलब मेरे साथ के भी बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, मेरे जैसे साथ का एक लड़का था अमित, उसने अपने 5-6 साल तैयारी को दे दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। आज की डेट में वो कुल 15,000 रुपए की जॉब कर रहा है। ओके, तो करियर तो खराब हो गया, करियर खराब हो गया। तो तैयारी के साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी स्किल्स बनानी पड़ेंगी, राइट, जिससे आपकी फ्यूचर में नौकरी लग पाए। जैसे स्पोकनेस इंग्लिस अच्छी कर लो, आजकल डाटा साइंटिस्ट बहुत चल रहा है उसको कर लो, कोर्स कर लो, कंटेंट राइटिंग सीख लो, तो कुछ भी ऐसा काम जिससे आप पैसे कमा पाओ अगर जॉब ना लगी तो। ये जरूरी है, प्लान भी लेके चलना है। एक्चुअली क्या है, बच्चों को आजकल विजन किया जाता है कि बस हमें सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। क्या ये सरकारी जॉब इतना मस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी जॉब तब मस्त है जब आपने घर के पास आपकी जॉब लग जाए। जैसे मैं हूँ ईटानगर में पोस्टेड हो गया, तो अब मैं अगर यहाँ पे 70 के अराउंड में पैसे कमाऊंगा वो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ 60 कमाऊंगा तो वो कुछ भी है ना। ठीक, वहाँ पे एक्सपेंसेस भी तो इसी तरीके से होंगे। राइट राइट राइट। तो इतना जरूरी नहीं है कि आपको एक सरकारी नौकरी के पीछे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब लग तो गई, उन्हें लगता था इंस्पेक्टर इनकम टैक्स बन गए तो जिंदगी कुछ और होगी, पर है नहीं ऐसा। मेरे साथ का आकाश सोत्री है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, मुंबई में पोस्टेड है। एक लड़की प्रिया नाम की है, एक नाम की रितिका है, दोनों कस्टमर इतने, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कर लिया। ओके ओके, एक एवरेज एक एवरेज। तो वही आप देखिए गाइस, मैं बस सर ने जो बताया है सेटिस्फेक्शन अंदर से लेके आइएगा। हम लोग जॉब को लेने के पीछे भाग रहे हैं, हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए, हमें मतलब अच्छा काम करना है। बिल्कुल। और सर ने अपने हिसाब से CGL दे दिया, तैयारी BCS सिविल सर्विसेज की तरफ भी इनका रहता है, अटेम्प्ट भी देते हैं, लेकिन इन्होंने हंसते हंसते खेलते खेलते CGL क्वालिफाई कर दिया। इनका कहना है कि अगर बच्चा बैंक की तैयारी करे तो बैंक की तैयारी करे, CGL की तरफ जाना CGL की तरफ ही फोकस करे, दोनों तरफ डाइवर्जन मत रखिए, इनका स्टेटमेंट ये है। और रहा आगे का प्रोसेस, जैसे कि बच्चा सिलेबस कैसे कवर करना चाहता है, क्या उसको कोचिंग लेना जरूरी है, क्या कोचिंग के साथ साथ प्रॉपर घर पर भी फीडबैक लेना माता पिता का जरूरी है, या फिर कुछ किताबें हैं प्रीवियस ईयर्स के, या फिर और भी कुछ कंटेंट है, नोट्स है, तो उनको साथ लेना जरूरी है? तो अभी इनसे जान लेते हैं बातें। अब देखो, जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की बात करूं तो SSC के अंदर एक पिनिकल्स की बुक आती है आपके पास, वो चारों सेक्शन की होनी चाहिए। तो अब आपको ये पता लग रहा होगा कि जो आपका टीचर पढ़ा रहा है वो कंटेंट पढ़ा कैसे रहा है। मतलब मेनली अगर मैंने या फिर किसी भी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसके पढ़ाने के बाद उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब है आपके टीचर का कंटेंट अच्छा है, तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए। अब बैंक में बात करूँ तो किरण की बुक आती है अवेलेबल, और SSC में पिनिकल की बुक आती है। तो सारे सेक्शन की आपके पास हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपका एग्जामिनर मतलब लेटेस्ट TCS पैटर्न कैसा है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्या बच्चों को महंगी कोचिंग करना चाहिए? नहीं, शहर में दिल्ली जयपुर जाते हैं लोग, लखनऊ चले जाते हैं, घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, कहीं हमें सिलेक्शन चाहिए SSC CGL में, तो क्या राय है इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेनली ना आप आ रहे हो घर छोड़ करके मुखर्जी नगर चले गए, या कोई बच्चा मेरे उत्तराखंड से आ रहा है और मुखर्जी नगर रह गए, नहीं, ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया आजकल ऑनलाइन है। ऑनलाइन अपन टेस्टेज लगाते रहे, ऑनलाइन सपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, करते रहे, डिस्कशन जरूरी है, एक अच्छा ग्रुप भी बच्चे के जीवन में जरूरी है ताकि वो अपने कैरियर को भी आगे एक मतलब दिशा दे सके। तो ये ठीक है, इतना तो आपने बताया किस तरह से मतलब अपना को बिल्ड रखना है, कैसे सिलेबस को कम्प्लीट करना है। क्या बच्चा जैसे कि अभी आप CGL सेलेक्टेड हैं, जैसे कि बच्चा स्वयं पूछेगा सर CGL सेलेक्टेड है और ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हैं या फिर अब आप सीमित हैं इस जॉब को लेकर साथ में जो आप चल रहा है अब तक? नहीं, मैं सीमित हूँ। ओके, सेटिस्फेक्शन गाइस, देखिए सेटिस्फेक्शन यहाँ पर सर ने भी जस्ट डिस्कस किया है कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जॉब ऑलरेडी है और मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चों को मैं
टीच कर रहा हूँ। बेस मतलब ये है, इन्होंने कहीं हाई फाई इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग नहीं ली है नहीं। और किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि इनके जो फादर हैं वो IAS ऑफिसर हैं, मिनिस्टर हैं, बिल्कुल एक बेस बैकग्राउंड से हैं और तरीके से इन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। दिल्ली में आकर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, संघर्ष किया और उस लेवल पर सेल्फ स्टडी करके इन्होंने वो जॉब पाया। तो एक क्वेश्चन और भी है, जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि सर हमें इतना घंटे पढ़ाई करना है, ये रूमर्स क्यों है, ये अफवाहें क्यों फैल रही है, इतने घंटे पढ़ाई करने से इतना होता है, कंप्लीट होता है, क्या आवर्स यहाँ पर डिफाइंड है या नहीं है? नहीं नहीं, कोई डिफाइंड नहीं। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो 3-4 घंटे 5 घंटे में अपना कंटेंट तैयार कर लेगा, कोई बच्चा ऐसा होता है उसको 10-12 घंटे लगते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बहुत अच्छा IQ नहीं था, मेरे को एफर्ट डालने पड़ते थे पढ़ने में। मतलब कोई मेरे साथ का अगर कोई बच्चा है तो वो 5-6 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे शायद 7-8 घंटे पढ़ना पड़ता था। तो ये आपके स्कूलिंग पर डिपेंड करता है, ये आपके IQ पर डिपेंड करता है। मतलब मेनली कंटेंट है कि आपको इतना टारगेट लेके चलना और वो रोज कंप्लीट होता रहे। किसी के लिए वो 10 घंटे हो सकते हैं, किसी के लिए वो 4 घंटे हो सकते हैं। ठीक ठीक। बाकी काफ़ी क्वेरी आती है कि सर हम गांव में रहते हैं, गांव में हमारे पास नेटवर्क नहीं आता है, तो उनके लिए बच्चों के लिए क्या मतलब कैसे प्रोवाइड करेंगे हम? नहीं, अगर आप फोन पे अपना डाटा चला पा रहे हैं तभी तो ऑनलाइन क्लास देख पाएंगे। जैसे किसी पास फोन भी नहीं है किसी कंडीशन में तो कैसे ना कोचिंग कर पाने में समर्थ है, कई सारे बच्चे पूछते हैं, तो उस कंडीशन में वो बच्चे क्या करें जो बेचारे गाँव में मतलब रह रहे हैं लेकिन उनके पास सोर्सेस की कमी है? कुछ नहीं, अगर ऐसा है कि भाई आप ना कोचिंग कर सकते अपने लोकल एरिया में, ना आप डाटा चला सकते, मतलब आपके पास फोन ही नहीं है, तो करो क्या कि भैया डायरेक्ट ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओ कि आ कैसा रहा है क्वेश्चन। कई बार हाँ, कई बार ऐसा होता है, अभी मेरे दिमाग में है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों ने बहुत पढ़ा नहीं, बहुत मेहनत नहीं करी, एल तो उनका सिलेक्शन हो गया। रीजन ये क्योंकि उनको पता था कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। पढ़ना अलग है और क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना अलग है। मतलब क्लासेस के अंदर पढ़ा है, पूछ जा रहा होगा और आ कुछ हो रहा होगा, तो आपको अवेयर रहना है कि क्वेश्चन पेपर आ कैसे रहा है, बन कैसे रहा है। तो वो बच्चा जो क्लास व्लास नहीं ले सकता वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। कहीं गांव देहातों में गाइस एक्चुअली क्या है, ऐसी बात नहीं किताबें नहीं मिलती हैं, आप किसी जब गांव जो है ब्लॉक से जुड़े होते हैं कहीं भी किसी बुक सेंटर से बोल दोगे तो वो ले आएगा, या नहीं तो न्यूज़पेपर वाला होता है वो भी मतलब प्रोवाइड कर देता है। मतलब पढ़ाई अब तो जन जन तक पहुंच चुकी है, एक शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट का विषय है और जिसपे हमारी भारत सरकार भी काफी एक जोर दे रही है, काम कर रही है। एक तो जैसे कि जल जीवन मिशन पर काम कर रही है, शिक्षा पर काम कर रही है और हमारी बेरोजगारी पर भी काम कर रही है, सड़क और बिजली है इन पर भी फोकस चल रहा है, तो सरकार की तरफ से तो पूरा एफर्ट किया जा रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन और दिमाग में चल रहा है कि जैसे कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो टीचर्स का रोल प्ले हो रहा है जैसे स्कूल और कॉलेज और कॉम्पिटिशन में, वो रोल प्ले कहाँ तक सीमित है? क्या बच्चा आज के दौर में टीचरों से सेटिस्फाइड हो पाता है या फिर अपने मित्रों के साथ संगत में ज़्यादा घुल मिल जाता है? फेल होने का कारण बच्चे का कैरियर का मुझे लगता यही है, क्योंकि कई क्वेश्चन हमसे डिस्कस हुए हैं कि सर हमारे को टीचर डाइवर्ट करते हैं, टीचर प्रमोट करते हैं, टीचर कहते हैं ये देख लो, टीचर कहते हैं वो देख लो, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं जा पाता है। कई टीचर स्कूल कॉलेज कॉम्पिटिशन मतलब एजुकेशन में टीचरों के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगते हैं कि सर हम प्रॉपर तरीके से टीचर जो बताना चाहता है वो बता नहीं पाता है, हमें जो गाइडेंस मिलती है वो हमारे माता पिता से या किसी और से मिलती है, क्या ये बात सत्य है? पहली बात तो स्कूल कॉलेज की बात करूँ, बच्चा ना आजकल गाइडेंस मानता नहीं किसी की, बिल्कुल उसको बताया कुछ और जा रहा होता है, वो कर कुछ और रहा होता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश में वो पढ़ाना चाहता हूँ जो क्वेश्चन पेपर आ रहे होते हैं, पर बच्चा पढ़ना कुछ और चाहता है। यही पॉइंट, यही पॉइंट बिल्कुल, वो अपने टीचर्स की गाइडेंस मानता नहीं पहली बात। और दूसरी बात है क्या कि जैसे स्कूल कॉलेजों की बात आपने बताई, कॉलेज के अंदर जैसे मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने काम किया हुआ है, कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि बच्चा सीरियसली ले ही नहीं रहा पढ़ाई को। वो इंग्लिश की क्लास में लिटरेचर की क्लास में बैठ रहा है, टाइम पास कर रहा है 1 घंटे और चला जा रहा है। कोचिंग में भी ऐसा होता है, बहुत कम बच्चे सीरियस हो रहे होते हैं। तो ये गाइस जो भी क्वेश्चन है हम सर से डिस्कस करते हुए, जो क्वारीज है आपकी इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर में आती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं ग्रामर समझ में नहीं आता है, हमें कैसे पढ़ना है। अब सर का कैरियर से रिलेटेड बात हो गई, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे करना है, टाइमिंग का क्या करना है, वो सब हमने बेसिक नीड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब सर का क्या है, कैसे सर जो है इंग्लिश जो टीच करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस तरह से करते हैं, तो वो अभी सर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्रामर को शुरू करना है और बच्चों को कौन कौन से मेन मेन फंक्शंस पे फोकस करना है ताकि उनको एग्जाम्स क्लियर हो जाए। अगर इंग्लिश की बात करो तो अब इंग्लिश
आप बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, 12-12 घंटे की मैराथन क्लास लगा रहे हैं, 12 घंटे 18 घंटे में नाउन का टॉपिक खत्म कर रहे हैं। मेरे भाई एक बार देख तो लो, 12 घंटे जितने पढ़ा है क्या उनमें से क्वेश्चन आ रहा है? मतलब मेनली आपको इम्पोर्टेंट्स टॉपिक पता होने चाहिए कि लैंग्वेज में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बस उतना। और शायद 100 से 120 रूल ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से SSC या फिर कोई भी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ रहा होता है। जैसे मैं अपनी बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ अनियत वालों के साथ, तो उसके अंदर फिल्टर वाला सिलेबस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लो। मतलब 100 से 120 रूल लैंग्वेज में इतना पढ़ना है, बस बस क्लियर हो जाएगा, बस अच्छा आपकी ग्रामर खत्म कर देते हैं। ओके, वनडे एग्जाम्स में कोई भी कहीं मतलब कोई कुछ मतलब एग्जाम नहीं रुकेगा, क्लियर हो जाएगा। बैंक हो, PO हो, NDA, CDS, कोई सा भी एग्जाम। ओके ओके, जैसे सर नेट क्वालिफाइड भी हैं और नेट के भी काफी विद्यार्थी हैं जो डिस्कस करते हैं कि सर नेट के लिए अंग्रेजी में क्या पढ़ें, तो सर नेट के लिए भी बता सकते हैं कि नेट में वो कौन सा बुक प्रेफर करें ताकि उनका सेकेंड पेपर क्लियर हो सके। अच्छा, लैंग्वेज की एक बुक की बात करो तो एक अरिहंत वालों की बुक आती है लिटरेचर की, और एक एस संत की किताब आती है जो बहुत अच्छी किताब है, मैंने तो वही पढ़ी थी, और लगभग सारे जो सेलेक्टेड बंदे हैं वही पढ़ते हैं, एस संत और अरिहंत। ओके ओके, तो नेट वाले जो विद्यार्थी हैं वो ये जो सर ने बताया है, सर 2 बार नेट क्वालिफाइड भी हैं साथ में, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो ना दिया हो और उसको बीट ना किया हो, एक ऐसे शख्सियत हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, साथ में इनका बैकअप बैकग्राउंड में जो भी बिजनेस चल रहा है वो भी साथ साथ संभाल रहे हैं, साथ ही काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वेलफेयर भी करते हैं और बच्चों के लिए जितना भी हो सकता है ये प्रोवाइड करते हैं। मैंने बस इनसे रिक्वेस्ट किया कि बस थोड़ा 15-20 मिनट के बच्चों को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, तो सर ने मना नहीं किया, खुद का भी यूट्यूब चैनल होती है अभी, फिर भी सर ने कहा ठीक है ओके, हम सर कोशिश करेंगे बच्चों को सही गाइड कर पाएँ। तो यहाँ तक हम ये जो आपकी क्वारी है वो हमने यहाँ पर समेट ली है, और कोई अगर इशू होता है किसी भी तरह का, कोई कमेंट अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन पूछना है, तो आप बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करना, थैंक यू, नमस्कार।